टीम इंडिया को 18 जून से आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ साउथैम्पटन के मैदान पर खेलना है। इस मैच का दुनिया के तमाम क्रिकेट फैंस को बेसब्री से इंतजार है। क्रिकेट के जानकार बता रहे हैं, टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। टीम इंडिया को जीत के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि न्यूजीलैंड टीम किसी भी एंगल से कमजोर नजर नहीं दिखाई देती। लेकिन टीम इंडिया में कहीं भी स्टार खिलाड़ियों की कोई कमी दिखाई नहीं देती है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, पुजारा जैसे खिलाड़ी भी शामिल हैं, जो कहीं पर भी मैच का रुख बदलना जानते हैं। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में भारत हारा हुआ मैच जीत गया, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले के लिए भारत प्रबल दावेदारी पेश कर रहा है। खैर, ये मुकाबला इंग्लैंड के साउथैम्पटन मैदान पर खेला जाएगा और खुद इंग्लैंड टीम ही पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, लेकिन इंग्लैंड के खिलाड़ी भारत को लेकर ऐसी बयानबाजी कर रही है जो वाकई में हर किसी को हैरान कर रही है। इंग्लैंड के खिलाड़ी कहते हैं कि भारत के लिए विराट नहीं, रोहित नहीं, बल्कि ये खिलाड़ी साबित होने वाला एक्स फैक्टर। विराट या रोहित के अलावा किस खिलाड़ी के ऊपर रहेगी सबसे बड़ी जिम्मेदारी, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। लेकिन आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी हैं टीम इंडिया के बहुत ही बड़े फैन, तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं। साथ ही में मैं आपकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 जानना चाहता हूं, यानी कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए भारत की प्लेइंग 11 जरूर बताएं। मैं आपको बता दूं कि इंग्लैंड के पूर्व गेंदबाज मोंटी पनेसर ने काफी कुछ बातें करी है। उन्होंने इंग्लैंड और भारत के बीच होने वाली सीरीज के बारे में भी बात करी, साथ ही में उन्होंने भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में भी बात करी। इंटरव्यू में बात करते हुए कहा, भारत को इस मुकाबले में जीतने के लिए बहुत ही मेहनत करनी होगी। उन्होंने कहा, फाइनल मैच में तेज गेंदबाजों की भूमिका अहम होने वाली है, लेकिन स्पिनर भी अपनी अहम किरदार निभाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मैच को किस तरह का पिच तैयार किया जाता है। मोंटी पनेसर ने कहा, मेरा मानना यह है कि मैच के लिए आईसीसी ऐसा विकेट तैयार करेगी जो टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से बेस्ट होगा। मोंटी पनेसर ने इंटरव्यू में कहा, भारत के इस मुकाबले में आर अश्विन और रविंद्र जडेजा को प्लेइंग 11 में रखना चाहिए। ये दोनों में से भी पनेसर का झुकाव रविंद्र जडेजा की तरफ कुछ ज्यादा ही रहा है, जो पिछले कुछ वक्त से गेंद व बल्ले यानी दोनों से अपने देश के लिए शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और फील्डिंग में भी। मोंटी ने कहा, इस मैच के लिए भारत के लिए सबसे बड़ा एक्स फैक्टर रविंद्र जडेजा साबित हो सकते हैं। वैसे तो पूरी टीम का योगदान जरूरी होता है, कोई अकेला चुनाव भाड़ नहीं फोड़ सकता है, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसी पोजीशन आती है जहां पर उस खिलाड़ी की अहमियत कुछ ज्यादा ही हो जाती है। लेकिन फिर भी एक्स फैक्टर साबित होने का काम रविंद्र जडेजा के ऊपर काफी कुछ रहेगा। क्या आप भी ऐसा ही मानते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।